Assalamu alaikum students, you are watching MMNZ YouTube channel. Nmdcat biology 2021 ka jo hai session start hai aur aap logo ne biology ke jo hai lectures I hope ki pichle bhi liye honge aur jo hai hamara jo topic chal raha hai aajkal wo hai bioenergetics. इसमें पहले जो है हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट लेक्चर्स में वो थे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के जो लाइट रिएक्शंस होते हैं, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं. अब हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया. आज हम लोग शुरू करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में भी होंगे और लाइट की एब्सेंस में भी हो सकते हैं. और उसके अलावा इसके अंदर मेन इसका फीचर ये है कि ये वो रिएक्शन है जिसमें हमें शुगर जो हम बनाते हैं, जो हम ग्लूकोज लिखते हैं रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस के, वो कहाँ पे बनती है, वो एक्चुअली इसी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में बनती है. इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं और इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं. अच्छा जी, ये जो साइकिल थी ये किसने डिस्कवर कि ये साइकिल डिस्कवर की? मेल्विन केल्विन ने. और ये होती कहाँ पे है? ये स्ट्रोमा में होती है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है उसके अंदर होती है. और इसके अलावा जो दूसरे क्या कहते हैं लाइट डिपेंडेंट थे रिएक्शंस, वो कहाँ पे होते थे? वो होते थे थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, यानी कि ग्रेना में. Can occur in presence or absence of the light, provided assimilatory power and reducing power in the form of ATP and NADPH. हम लोगों ने जो light reactions में ATP और NADPH बनाया था, actually वो इस cycle में use किया जाता है for making glucose. Energy of these compound used in the formation of carbohydrate from carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लिखते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में एब्जॉर्ब करती है और ग्लूकोज बनाती है. एक्चुअली वो कार्बन डाइऑक्साइड इस साइकिल में जाती है और हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल मिलता है. यहाँ पे इसकी रिएक्शन इक्वेशन लिखी गई है जिसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, 9 ATP यूज होते हैं और हमारे पास यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आता है, शुगर आ जाती है, 6 NADP आते हैं, 9 ADP आते हैं, 9 फॉस्फेट इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट आते हैं और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आते हैं. ठीक है, ओके जी. अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट केल्विन साइकिल की. केल्विन साइकिल क्या है और क्या क्या उसके स्टेप्स हैं? यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो हैं साइकिल के अंदर जाते हैं सबसे पहले. ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स गए किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के. अब इस साइकिल में एंटर होते ही इसने अटैच होना है राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है. ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है जिसके 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट है. ये इन 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं और 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, उसका नाम है रुबिस्को. अब ये जो एंजाइम है एक्चुअली ये डुअल नेचर का है, यानी कि ये ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करता है. और यहाँ पे इसका जो फंक्शन है एज अ कार्बोक्सिलेज यूज होगा, यानी कि कार्बन फिक्सेशन में यूज होगा. अब ये दोनों जो है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को कंबाइन करेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको PGA भी कहते हैं. ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके 6 मॉलिक्यूल जो है बन जाते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसका नाम है हेक्सोज. ठीक है, हेक्सोज, हेक्सोज मतलब एक शुगर को कहते हैं जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है. एक्चुअली इसका यहाँ पे मेंशन इसलिए नहीं की गई क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जो है वो चेंज हो जाती है PGA में. एक्चुअली ये स्टेबल फॉर्म नहीं है इसलिए इसको लिखा नहीं जाता, फौरन ही बनते चेंज हो जाती है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ PGA को मेंशन किया जाता है. अच्छा, ये PGA क्या है? नेक्स्ट इसमें स्टेप हमारे पास ये होता है. अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि आपको इस साइकिल के सेंटर में नजर आ रहा होगा कि कंप्लीट साइकिल एक्चुअली 3 फेजेस पे कंसिस्ट करती है.
जिसमें से एक फेज को हम कहते हैं फिक्सेशन. अब फिक्सेशन में क्या होता है, ये वो पार्ट है जिसमें रूबिस्को जो है वो इन्वॉल्व होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आती है और कार्बन की फिक्सेशन होती है इनटू पीजीई. और नेक्स्ट फेज है इसके पास फेज नंबर टू विच इज रिडक्शन. इसमें क्या होगा कि इन मॉलिक्यूल्स की रिडक्शन होगी जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच यूज होते हैं. लास्ट फेज इज रीजेनरेशन. इसमें वो फेज है जब हमारे पास जो है शुगर मॉलिक्यूल आ जाता है और यहाँ पे जो है हम वापस से तैयारी करते हैं कि साइकिल दोबारा से अपनी शेप में वापस आ जाए और हमारे पास क्या रीजेनरेट हो जाए, राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट जो है वो रीजेनरेट हो सके ताकि दोबारा से जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आएंगे उसके साथ अटैच हो और साइकिल जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो सके. ठीक हो गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं रीजेनरेशन फेज. अब यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, कहाँ पे थे, यहाँ पे, यानी कि एटीपी. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने मॉलिक्यूल जो है याद रखने हैं. एमसीक्यू में इस तरह से आ सकता है कि कौन से फेज में कितने एटीपी यूज हुए, कौन से फेज में कितने एनएडीपीएच यूज हुए. ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज किए जिनमें से 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला जो कि यहाँ पे इसके साथ अटैच हुआ और ये बन गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है और टोटल 6 मॉलिक्यूल्स जो है इसके प्रेजेंट है हमारे पास. अब हुआ क्या है, इसके 1,3 का मतलब ये है कि इसकी 1 कार्बन और 3 कार्बन के साथ जो है फॉस्फेट अटैच हो चुका है अब. ठीक है, इसलिए इसका नाम 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट रख दिया गया है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि NADPH के 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे और NADP में चेंज हो जाएंगे जबकि हमें 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे जाएंगे जो कि 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को किसमें चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में. ठीक है, जिसको G3P भी कहा जाता है. अब यहाँ पे मैं दोबारा से बताती जाऊँ कि ये वाले जो एटीपी और एनएडीपीएच हमने यूज किए हैं एक्चुअली ये वहीं से आए हैं जो हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में गेन किए थे, ऑब्टेन किए थे. ये वही एनर्जी है जो वहां से हम लोगों ने ली और हम कहाँ यूज कर रहे हैं, डार्क रिएक्शन में यूज कर रहे हैं. ठीक हो गया, अब ये जो है टोटल ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें से एक जो है साइकिल से बाहर निकाल दिया जाएगा और ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है एक मोनोसेकेराइड है जो कि बेस है बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की. ये दो मिल जाए तो ग्लूकोज बना देंगे, ग्लूकोज मिल जाए तो आगे से डिफरेंट माल्टोज और फ्रुक्टोज और इस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और शुगर्स जो है बनती जाएंगी. ठीक है, तो बेसिक एक हम लोगों ने बाहर निकाल दी और बाकी यहाँ पे कितने बच गए, 6 में से एक निकाल दिया, बाकी 5 मॉलिक्यूल्स हमारे पास ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बच जाएंगे. ठीक हो गया, अब देखें इस साइकिल में हमने कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के पहले डाले थे, 3 डाले थे, तो अभी भी हमारे पास 3 कार्बन ही मौजूद है. यानी कि साइकिल को बहुत अच्छे से बैलेंस किया गया है कि 3 कार्बन हमारे पास निकल आए और 3 ही हम लोगों ने ऐड किए थे लेकिन किस फॉर्म में थे, 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड के जबकि एक ही अब कंपाउंड बन चुका है हमारे पास जो 3 कार्बन पे कंसिस्ट करता है. ठीक हो गया, अब जो हम लोगों के बाकी 5 ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, कंपाउंड जो है वो चेंज होगा राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट. अब इसको 1,5-बिसफॉस्फेट क्योंकि यहाँ पे दो जगह पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है इसके लिए हमें क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से एक एटीपी के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे. यहाँ पे 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स रीजनरेशन में हम यूज कर रहे हैं और ये 3 मॉलिक्यूल जो है खुद एडीपी में चेंज हो जाएंगे और 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे देंगे और इस कंपाउंड को चेंज कर देंगे राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट में. ठीक हो गया, अब यहाँ पे रीजेनरेशन हो गई है इसकी और ये साइकिल जो है दोबारा से इसी तरह स्टार्ट हो जाएगी. इसी तरह आई थिंक आपको अच्छे तरह से समझ आ गई होगी, इजी सी साइकिल है, इसको इसी तरह 1 by 1 पॉइंट्स के साथ समझ के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी. ठीक हो गया, अच्छे से इसको प्रिपेयर करें और इसके बाद हम मजीद जो है बायोएनर्जेटिक्स को आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल से स्टडी करेंगे इसको अपना. अच्छा, यहाँ पे हमारे जो
एनाबॉलिक रिएक्शन थे जिसमें हम चीजें बनाते हैं वो हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें हम कैटाबॉलिज्म की बात करेंगे, यानी कि जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे बनाया है तो इसकी ब्रेक डाउन कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। उससे पहले एक चीज मैं आपको बताती जाऊँ कि हमारा सेशन जो चल रहा है MMNZ यूट्यूब चैनल पे, तो अगर किसी ने अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया और वो करवाना चाहता है तो यानी कि जो भी टीचर की गाइडेंस, एमसीक्यू नोट्स, एमसीक्यू बैंक आपको दिया जाता है, आपके साथ नोट्स शेयर किए जाते हैं, आपकी रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स चलते हैं, उसके अलावा अगर फिर भी आप लोग को कुछ समझ नहीं आता तो टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं हर वक्त, जो आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप अपने आप को ज़रूर रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास जो नंबर है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके उस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।